नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी विद एवरी न्यूज़ आपके लिए एक न्यूज़ आया है। अभी आप सबको पता लगा होगा कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ चुका है। और दोस्तों, आप सभी के जिन लोगों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उनके मोबाइल पर कुछ इस तरीके से मैसेज आया होगा। एक तो उनके लिए आया होगा जो कि फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट जो है उसके लिए सेलेक्ट हो गए हैं, और एक उनके लिए आया होगा जो कि इसमें पैड टेस्ट में सेलेक्ट या शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो जो बनाई है ख़ास तौर से हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास कॉल्स आई और मुझे बता रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ हमारे पर मैसेज आया है कि हम शॉर्टलिस्ट नहीं हैं, और लेकिन हम तो इसके लिए मतलब योग्य ही नहीं है क्योंकि हमारा तो फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक बार न्यूज़ बनाकर आप सबको समझा दूँ और बतला दूँ सही से क्या है। दरअसल ये जो मैसेज रेलवे ने भेजा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है पर्टिकुलर जो कि शारीरिक फिट हैं और जिनका फिज़िकल होना था, जिनका जो हमारा फिज़िकल इफिशेंसी टेस्ट होना था उनके लिए ये मैसेज है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब ये उनके लिए हैं, लेकिन इसमें ये मैसेज भेज सबको दिया गया है, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट जो उनको भी भेज दिया गया है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन दरअसल उनकी जो न्यूज़ है, उनकी जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया है, वो एक आध दिन में आने वाला है। ये रेलवे ने साफ साफ बताया है और उसके जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ भी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, उनके मार्क्स रिटेन में कम हैं। तो ये जो रेलवे का मैसेज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, ना कि फिज़िकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपका रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी रेलवे जो है रिलीज़ कर देगा। तो आप घबराएं नहीं, आराम से तैयारी करें, और जिन लोगों को लगता है कि वो टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं तो रेलवे ने दोबारा वैकेंसी निकाली है 1 लाख, उसकी तैयारी करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, रिज़ल्ट का इंतज़ार ना करें। और ऊपर वाले ने चाहा, आपने अगर मेहनत करी तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और जो आपका रिज़ल्ट है वो भी रेलवे बहुत जल्दी निकाल देगा और आप लोगों को मिल जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समय मिले तो।